सटीक इलाज आत्मविश्वास दमा का निकाल देगी दम। आप लिफ्ट के भीतर हो और अचानक से लिफ्ट बंद पड़ जाए तो यकीनन आपकी सांसें थम सी जाती हैं। इन चंद मिनटों में जब आप ठीक से सांस ना लेने के कारण बेचैन हो जाते हैं तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी जो सांस दमा अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं और हर सांस बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। कुल मिलाकर कहना यही है कि एक खूबसूरत जिंदगी को जीने के लिए जिस तरह आंखों में रोशनी जरूरी है जिससे हम खुशनुमा दुनिया को देख सकें, उसी तरह जीवन जीने के लिए सांस भी बेहद जरूरी है। बिना सांस के इस जीवन की कल्पना ही असंभव है। इसीलिए कहा गया है हर सांस कीमती है, अमूल्य है। मगर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह लोग सांस की बीमारी के शिकार बन रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस मर्ज को दूर करने के लिए जहां दुनिया के विशेषज्ञ चिकित्सक प्रयास कर रहे हैं, वहीं वाराणसी स्थित पूर्वांचल का एकमात्र विश्व स्तरीय ISO 9001:2008 ब्रेथ इजी चेस्ट केयर सेंटर के निदेशक व प्रसिद्ध सांस TB व चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK पाठक भी प्रयासरत है, जिन्होंने एक मुहिम सी छेड़ रखी है। हेलो, वेलकम टू ब्रीथ इजी TB चेस्ट एलर्जी केयर सेंटर, हर सांस आराम से। पिछले 16 वर्षों में डॉक्टर पाठक ने पूर्वांचल के अनगिनत सांस के मरीजों को इस बीमारी से बचाकर जीवन दान दिया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। खास बात यह है कि इनमें से कई ऐसे मरीज थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की आस ही छोड़ दी थी, मगर आज वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। एक पेशेंट खराटे से ग्रसित था और उसको इतनी प्रॉब्लम थी कि दिनचर्या डिस्टर्ब होती, जिसके बाद मैंने एक स्लिप टेस्ट किया। स्लिप टेस्ट के बाद एक CPAP मशीन हमने दिया। इस मशीन को लगाने से इनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। जो ये दिन में ऑफिस में सो जाते थे, काम करते करते सो जाते थे, ड्राइविंग करते करते सो जाते थे, अब उनको वो दिनचर्या से काफ़ी राहत मिल गई और ये अपनी जिंदगी बहुत ही आसानी से जी रहे हैं। डॉक्टर SK पाठक इसके मेन डॉक्टर हैं, उन्हें कंडर में ट्रीटमेंट हुआ चल रहा है और इसे काफी हमको लगता है। ब्रीथी जी, अब तक लगभग 50,000 मरीजों को जिंदगी दी है, जीवन दिया है। जिनकी सांस टूट रही थी, रुक रही थी, उनको एक स्वास्थ्य लाभ पहुंचा है, जो खासकर अस्थमा दमा से पीड़ित व्यक्ति। डॉक्टर पाठक की इस मुहिम का नाम हर सांस आराम से है। 80 मुमुक्ष भवन के सामने ब्रेथ इजी चेस्ट केयर सेंटर में सांस की बीमारी व इससे संबंधित रोगों से लोगों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय जांच उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, इलाज आदि की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके लिए पहले लोगों को शहर या देश के बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह वाराणसी में ही संभव है। प्रीति जी, बनारस में और पूर्वांचल के आसपास था बिस्टन, UP, बिहार और आपके मध्य प्रदेश, यहाँ के सारे मरीजों की हम सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर पाठक ने न सिर्फ इस भ्रम को तोड़ा है कि दमा दम के साथ ही जाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी जगाया और बताया अगर रोगी खुद पर भरोसा रखे और सही ढंग से इलाज कराए तो दमा का दम निकाला जा सकता है, रोगी का नहीं। बस मरीज को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखकर जीवन की आस नहीं छोड़नी चाहिए और हर तरह के भ्रम से खुद को दूर रखना चाहिए। डॉक्टर SK पाठक ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों से उच्च शिक्षा ग्रहण की और आज उसी ज्ञान से लोगों की जिंदगी सवार रहे हैं। डॉक्टर पाठक ने 1996 में GSVM मेडिकल कॉलेज से MBBS व 2001 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MD की डिग्री हासिल की। खास बात यह है कि जिन संस्थानों से डॉक्टर पाठक की शिक्षा हुई, वहां पर चुनिंदा छात्र छात्राओं का ही चयन हो पाता है। यह संस्थान देश के अग्रणी मेडिकल कॉलेजों में शुमार है। अपने 16 वर्ष के अनुभव में डॉक्टर पाठक ने फेफड़ा, खर्राटे, रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन पर जबरदस्त पकड़ बनाई। डॉक्टर पाठक ने अपनी रिसर्च फेलोशिप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया। वर्तमान में डॉक्टर पाठक हेरिटेज हॉस्पिटल में
वरिष्ठ श्वास टीबी एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही ब्रेथ इजी टीबी चेस्ट एलर्जी चेस्ट केयर सेंटर 80 में मेडिकल डायरेक्टर व वरिष्ठ परामर्शक चिकित्सक हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एवं चेस्ट विभाग नारायण मेडिकल कॉलेज बिहार में डॉक्टर पाठक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने जहां देश की कई हस्तियां जो अस्थमा व सांस की बीमारियों से पीड़ित होने के बाद भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, जिसका जीता जागता उदाहरण है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को अस्थमा है, इसके बाद भी उनके काम और जीवन शैली पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल अमिताभ ही नहीं, देश की उड़न परी एथलीट पीटी उषा को भी सांस की बीमारी थी। इसके बाद भी वह ट्रैक पर हवा के साथ बातें करते हुए दौड़ी। उषा के अलावा कई ऐसे नाम हैं, जैसे ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीत चुके तैराक मार्क स्पिट्स, पूर्व क्रिकेटर इयान बॉटम सहित ढेरों ऐसी नामचीन हस्तियां फिल्म व अन्य क्षेत्रों से हैं जिन्हें सांस की बीमारी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज आधुनिकता की तेज रफ्तार में लोग पर्यावरण व अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका परिणाम घातक सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, नशे के कारण बड़ी संख्या में लोग सांस की बीमारियों के आगोश में समा रहे हैं। हर तरफ सड़कों की खुदाई से उड़ने वाली धूल के कण, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, फैशन के नाम पर युवा पीढ़ी को धूम्रपान की लत होती जा रही है। ऐसे में गंभीर बीमारियां उन्हें जकड़ रही हैं। अफसोस की बात है कि अब प्रदूषण के चपेट में गांव भी आ गए हैं। गांव में चूल्हा, घर के जो झाड़ू, खेती बाड़ी से जो धूल उड़ते हैं, कभी कभी ये किसी व्यक्ति के लिए जानलेवा भी हो जाते हैं और दमा जैसी बीमारी होती है। इसके साथ साथ जो गाँव में लोग धूम्रपान करते हैं उसके कारण भी अस्थमा, दमा जैसी गंभीर टीबी जैसी बीमारियां होती हैं, और शहरों में भी इनका बुरा हाल है। सड़कें सक्रिय हैं और धूल भरी हुई है, और बिना किसी कवर के वे आम आदमी वहां से जाते हैं, उनको अस्थमा, दमा, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए सांस की मामूली सी भी समस्या होने पर विशेषज्ञ चेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लिए ब्रेथ इजी चेस्ट केयर सेंटर में सांस की हर समस्या को जड़ से समाप्त करने के सटीक परामर्श व अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। अक्सर पत्नियां अपने पति के खर्राटों से त्रस्त रहती हैं। कई ऐसे मामले भी सुनने में मिले हैं कि पति के खर्राटे लेने के कारण पत्नी ने तलाक मांग लिया। अगर आप भी खर्राटे की समस्या से पीड़ित हैं तो देर ना करें, ब्रेथ इजी चेस्ट केयर सेंटर में इसका भी निदान संभव है। यहाँ खर्राटे के लिए स्लिप स्टडी सेंटर, फेफड़े की जांच के लिए आधुनिक ब्रांकोस्कोपी की सुविधा भी मिलेगी। यानी कुल मिलाकर आपको हर सांस आराम से देने के लिए ब्रेथ इजी चेस्ट केयर सेंटर सुविधाओं से लैस है। यहाँ मिलेगी आपको सहूलियत, सेहत, जीवन और जीवन भर के लिए खुलकर सांस। समाज को सेहत के प्रति सचेत करने के लिए डॉक्टर पाठक व उनकी धर्मपत्नी सुनीता पाठक ने ब्रेथ इजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी की स्थापना की। इसके माध्यम से शहर व गांव के विभिन्न क्षेत्रों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें 1,00,000 से अधिक लोगों ने अब तक स्वास्थ्य लाभ उठाया है। आम जनता के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर, जागरूकता रैली, पुलिस कर्मियों के लिए निशुल्क चिकित्सा कैंप, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए मेडिकल अपडेट प्रोग्राम आदि किया जाता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के जनरल प्रैक्टिशनर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें विगत वर्षों में अब तक 20,000 से अधिक चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया, जो दमा एलर्जी का पता लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारा प्रयास है कि आपको सजग कर सके, जो हमारे कर्तव्य बनता है कि आप स्वस्थ रहें, आपकी जो एलर्जिकल प्रॉब्लम है, जो टीबी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, आपके खराटे की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारा गांव और शहर में कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे लोगों को जागरूक करें और वो सही समय पे अपना इलाज कर सकें। डॉक्टर पाठक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब रही जब चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी आगमन पर डॉक्टर पाठक को मुलाकात के लिए बुलाया और उन्हें कार्य की सराहना दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी प्रवास में हमारी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण आया और हमको बुलाया गया
कि आप चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे यहाँ के लोगों को काफी लाभ हो रहा है, उनसे मेरी मुलाकात काफी सहज रही और काफी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही। और उसी प्रेरणा से हमने ब्रीथीजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमिनिटी की शुभारंभ किया। इसके प्रेसिडेंट मिसेस सुनीता पाठक हैं और हम लोग का ये प्रयास है कि लोगों को एनजीओ के माध्यम से ब्रीथीजी सही गरीब तबके तक लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सके। ब्रीथीजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमिनिटी इस एनजीओ के माध्यम से गांव, शहर, कस्बों, विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम करते रहते हैं। अभी तक 1,00,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया है। ब्रीथीजी समय समय पर जागरूकता रैली का आयोजन करता रहता है, जिसमें टीवी दिवस, अस्थमा दिवस, पर्यावरण दिवस, तंबाकू निषेध दिवस आदि शामिल है। ब्रीथीजी का मानना है कि स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ जीवन आवश्यक है। ब्रीथीजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमिनिटी जिसके लिए सदैव तत्पर रहता है। ब्रेथ इजी शहर व गांव के क्षेत्रों में सांस संबंधित बीमारियों, एलर्जी, अस्थमा, निमोनिया, टीबी आदि के प्रति जनता को सलाह देता आ रहा है। यही कारण है कि साथ ही साथ सांस से जुड़े रोगों के बचाव व उपचार के लिए ब्रेथ इजी चेस्ट केयर सेंटर पूर्वांचल में एक स्तंभ बिंदु बन चुका है, जहां कम खर्च, कम समय व अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सांस के गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो जाता है।